हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिसेल्फ मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आप में से बहुत ढेर सारे बच्चे जो कि स्टार्ट कैरियर के स्टार्ट में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या भी अभी भी पास आउट हुए, तो ये वीडियो उनके लिए यूजफुल है कि उन्हें अभी क्या करना चाहिए। तो इसके लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हो, समझते हैं स्टेप वाइज क्या क्या करें तो उनका कैरियर बेटर हो सकता है। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड, स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहली बात कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मॉडलिंग में जाना है कि स्ट्रक्चर में जाना है, तो आप ना बड़े कंफ्यूज रहोगे। सच बता रहा हूँ, आप अपने दिल से पूछना, आप क्या सोचोगे, अरे यार स्ट्रक्चर में जाना तो चाहता हूँ बट मुझे लगता है मेरा नॉलेज अच्छा नहीं है। अपने दिल से पूछो, मेरा नॉलेज अच्छा नहीं इसलिए शायद मैं नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं पूछूँ मॉडलिंग के लिए, तो मैं बोलूँगा कि इसको मॉडलिंग में पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ मॉडलिंग करना, या फिर चाहता हूँ कि ऑफिस जॉब किसी तरीके से मिले। तो अगर आप इस तरीके के थॉट से कंफ्यूज हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप क्यों कंफ्यूज, हम भी कभी कंफ्यूज थे, तो अगर आप कंफ्यूज हो कि यार मुझे डिजाइनर में जाना, सॉरी मतलब कि डिजाइन में जाना है या फिर मॉडलिंग में जाना है, तो ये वीडियो समझो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। मैं कहता हूँ कि मुझे कभी कभी, मैं उसे जो खाना खाता हूँ, अब खाने के बता रहा हूँ, समझो इस चीज को, जो मैं फूड लेता हूँ, मैं दाल चावल सब्जी रोटी ये सब नहीं खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ, मैं दलिया खाता हूँ। मेरा मैक्सिमम फूड मतलब 80% मैं केवल दलिया खाता हूँ, वो भी गेहूँ की। तो अब ये समझो कि इसमें डिफरेंस, मैंने दलिया को क्यों चूज किया, सब्जी रोटी दाल चावल को क्यों नहीं चूज किया? तो पहले मैंने दोनों को खाया, मैंने दाल चावल सब्जी रोटी खाया और दलिया भी खाया, और खाने के बाद मैंने चूज किया कि यार मुझे जो मजा दलिया में आ रहा है ना, वो मजा इन सब में नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा फैट और ये वो नींद वगैरह वगैरह बहुत से कॉजेस थे। तो मैंने क्या चूज किया, मैंने चूज किया कि मेरे लिए दलिया बेस्ट है। इसी तरीके से आपको भी, आप बिगनर हो ना तो आपको पता ही नहीं कि सीखना क्या चाहिए, तो आपको एक बार सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा क्या, डीप में भी सीखोगे कोई समस्या नहीं है। तो मैंने इसीलिए जो मेरे माइंड में थॉट आया कि यार ये लोग कंफ्यूज रहते होंगे कि क्या सीखें या फिर किस प्रोफाइल में जाएं, तो उसके लिए ही मैंने ऑल इन वन कोर्स बनाया। क्यों ऑल इन वन में मैंने क्या किया, या फिर क्या करना चाहिए आपको, वो मैंने किया। आपको पहले ऑटो कैड भी सीखना चाहिए, रेबिट भी सीखना चाहिए, स्टेट प्रो भी सीखना चाहिए, मैनुअल डिजाइन भी सीखना चाहिए, एक्सेल भी सीखना चाहिए। अब इससे होगा क्या, आपने ऑटो कैड सीखा, ठीक है, ऑटो कैड भी बहुत डीप लेवल पर गए, तो आपको पता चला कि मेरा इंटरेस्ट ऑटो कैड में है क्या, अच्छा ऑटो कैड में है, तो फिर आगे आपने रेबिट पे मॉडलिंग की, आपने चेक किया कि क्या मॉडलिंग पर मेरा इंटरेस्ट है क्या, ठीक है, अब मॉडलिंग भी पता चल गई आपको होती क्या है, ऑटो कैड में ड्राफ्टिंग, और वो ड्राफ्टिंग भी आर्किटेक्चर की और स्ट्रक्चर की दोनों ड्राफ्टिंग करके रखे अपने माइंड में, ठीक है, तो आपको दोनों चीज, दोनों खाना टेस्ट कर लिए। अब तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है आपका स्टेट प्रो। स्टेट प्रो से आपने क्या चेक कर लिया, अच्छा मुझे स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है कि नहीं है, अच्छा है क्या, ओके, फिर मैंने क्या बताया कि आपको आरसीडीसी में देखना चाहिए, मुझे डिटेलिंग में इंटरेस्ट है क्या, ओके देख लिया। फिर लास्ट में हमने देखा मैनुअल में मेरा इंटरेस्ट है क्या, कोई चीज मैनुअली करने के लिए, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जिसको स्ट्रक्चर में जाना ही जाना, वो स्टैंड में मजा आ गया ना, तो अपना स्ट्रक्चर को कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए मैनुअल में इंटरेस्ट है क्या, ओके, एक्सेल में इंटरेस्ट है क्या, ओके, तो इसीलिए मैंने ये मैनुअल एक्सेल का तो कोर्स फ्री में ही दे दिया है ऑल इन वन में। क्यों, जिससे कि आपको अगर स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट आ गया तो डीप में चले जाओ, और जो मैंने रैबिट का कोर्स बनाया उसमें जो मॉडलिंग की है, वो मॉडलिंग आप ये मत सोचना कि मैं अपने कोर्स की मार्केटिंग कर रहा हूँ, बिलीव करिए ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जब तक आप खाने को टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा विच वन इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। ये बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, स्ट्रक्चर में चले गए मजा ही नहीं आ रहा, अब मॉडलिंग में चले गए मजा ही नहीं आ रहा, आपको करना कुछ और था, ठीक है। तो यहां से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको ड्राफ्टिंग करनी है, अच्छा ठीक है, ड्राफ्टिंग में स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग मजा आता है कि मॉडलिंग की प्लानिंग में मजा आता है, ये क्लियर हो गया। फिर आपने रैबिट में देख लिया कि आपको रैबिट में मॉडल बनाने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो इसीलिए अगर आपको रैबिट में मॉडल ज्यादा बनाना है तो उसके लिए रिलेटेड मैंने सारे जो बिल्डिंग बाय लॉ, रेरा के रूल्स और जो मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट, बीआईएम क्या होता है, वो सब कुछ रैबिट में बता दिया आपको।
फिर नेक्स्ट है स्टैट। स्टैट में मैंने क्या किया, स्टैट में मैंने पूरा डीप लेवल पे जितने भी मेरे स्टैट के स्टूडेंट हैं सभी देख रहे होंगे, तो आप लोग ही कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको कोर्स। मैंने डीप लेवल पे जाके G+5 तक का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, फिर दे दिया कि भाई अगर आपको रैबिट में इंटरेस्ट है तो चले जाओ पीछे, पूरा दे रखा है मैंने, BIM के सारे टूल्स मैंने बता रखे हैं। अगर आपको स्टैट में इंटरेस्ट है तो मैनुअल और एक्सेल के साथ स्टैट में डीप में चले जाओ। अब आपका कॉन्सेप्ट यहां से पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मुझे रैबिट में मजा आया था मतलब मॉडलिंग मेरी बेस्ट हो सकती है, मुझे स्टैट में मजा आया था मतलब मेरा स्ट्रक्चर बेस्ट हो सकता है। अब ये दोनों अलग पर्सन हो गए, मॉडलिंग वाला और स्ट्रक्चर वाला, कुछ होंगे जिनको दोनों होंगे बट इनका रेशियो कम रहता है। अब जैसे आपको पता चल गया कि मेरा स्ट्रक्चर में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है तो भाई अब स्ट्रक्चर के बारे में और डीप में चलते चले जाओ, क्यों, जिसे मजा आता है उसी में तो आदमी जाता है ना, तो अब उसमें और डीप में चलते जाओ और उस डीप में जाके वहां पता करो मुझे ETF सीखना चाहिए क्या, मुझे सेफ सीखना चाहिए क्या, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर में डीप में जा रहे हो ना थोड़ा बड़े लेवल पे, मुझे SAP 2000 सीखना चाहिए क्या, टेक्लर डिजाइनर सीखना चाहिए क्या, स्ट्रक्चर में आप पूरी फील्ड है आपकी, अब वहां पर एक्सप्लोर करो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको रैबिट में मजा आ गया, स्केचअप सीखना चाहिए क्या, और फिर 3ds Max सीखना चाहिए क्या, ओके, तो मतलब अब आपकी मॉडलिंग में पूरी की पूरी इंटरेस्ट हो गई। प्लस दूसरी चीज, अब अगर दोनों आपको आता है तो भाई बहुत बेस्ट है, ऐसे ऑलराउंडर होते हैं ना, एक बॉलर होता है, एक होता है बैट्समैन और एक होता है जो ऑलराउंडर होता है, अगर आप ऑलराउंडर हो तो मच बेटर है। अब इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो कि मुझे कैरियर को किस मोड पर लेके जाना है। तो ऑल इन वन का मेरा कॉन्सेप्ट ही यही था कि भाई चेक तो करो पहले खाके, मैं पैदा होते ही बोलते था अपनी मम्मी को कि नहीं मुझे तो क्यों दलिया खाना है, पॉसिबल था क्या, नहीं, मम्मी बोलती खाया नहीं कभी और तुमको डिसाइड कर लिया कि दाल चावल खराब है या फिर सब्जी रोटी खराब है, नहीं, पहले चेक करो खाओ फिर डिसाइड करो। तो यही था कॉन्सेप्ट, तो मैंने सोचा कि आपके बिजनेस के लिए सबके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, मैंने बताया आपको। अपनी कमेंट देके बताइएगा, अगर आप भी ऐसे कंफ्यूज रहे होंगे तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मेरे को ऐसी कंफ्यूजन थी, होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो मुझे पर्सनल चैट या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दो, जितना भी हो सकता है मैं अपने तरीके से हेल्प करूंगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जिस तरीके से आपने गाड़ी को चला दी आगे भी आप समझिए कि आपकी गाड़ी वैसे ही चलानी आपकी मजबूरी हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आपने स्टार्ट मतलब चेंज कर सकते हो बट बहुत मेहनत लगती है, तो क्यों करना, वो रूट पकड़ो जो रूट एकदम क्लीन है, आजकल तो गूगल मैप आ गया है ना, उसमें देख लो कि भाई यहाँ से यहाँ जाना है तो इधर का ट्रैफिक कम है। मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रैफिक के अकॉर्डिंग जाओ, ट्रैफिक जहाँ कम है वहाँ जाओगे तो डिमांड ज़्यादा होगी, ट्रैफिक जहाँ ज़्यादा है वहाँ जाओगे तो आपको क्या होगा, बार बार जाम लगेगा, आपकी ग्रोथ जो है वो कम हो पाएगी। तो ये था आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट बिजनेस के लिए, प्लस ऐसे लोगों के लिए जो भी इन्होंने अपना काम सोच रहे होंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि सर रोजगार का कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब जॉब ऑप्शंस कुछ नहीं मिल रहे हैं। बिलीव करो मार्केट में जॉब अभी तो और ज़्यादा हो रहा है, मार्केट में जॉब बहुत ज्यादा ऑलरेडी है, ठीक है। हम सब करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है। कैसे, अभी मैं कल एक बिल्डिंग देख रहा था, तो वो बिल्डिंग उसका क्लिप लगा देता हूँ, देख लो, अब वो बिल्डिंग गिर गई है, ठीक है। अब आपको मार्केट में रोजगार पैदा करना है ना, तो लोगों को बस इतना समझा दो कि भाई बिना स्ट्रक्चर एनालिसिस के आप मॉडल मत बनवाओ, ठीक है। तो हो गया, आपके माइंड में हो गया कि ऐसा कुछ हो सकता है, अभी आपके तैयारी पे है आप किस तरीके से बिजनेस डेवलप करते हो। अब दूसरा चीज, आपको मॉडलिंग के लिए किसी ने घर बनाया उसको बोलो कि ऐसा बनवाया होता ना आपने, इतने कम कॉस्ट में इससे बेटर बन सकती थी। अपने आप तैयार कर रहे हो रोजगार को, और ये तो उनके लिए है जिनका एंटरप्रेन्योर वाला माइंड है, या फिर जिनको भी लगता है कि मुझे अभी जॉब करना है तो जॉब करो, बट पार्ट टाइम ये भी कर सकते हो, अच्छी अर्निंग मिल सकती है आपकी। चलिए मिलता है, तब तक ले जाएंगे।